ध्रुव कहाँ? ध्रुव ऊपर अपने कमरे में है। हेलो एवरीवन, मैं बॉबी सूद अभी तक श्रद्धा का पति और इस घर का दामाद। वैसे बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया। कित्तू भाभी जी तो कह रही थी कि थोड़ा टाइम लगेगा। एक बात बताइए आप मुझे। हमने तुझे पैसे देकर बात खत्म करने के लिए बुलाया है। अपने पैसे ले और दफा हो जाए यहां से। मुझे भी अपना टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है। पैसे दीजिए, चला जाऊंगा। यस बेटा। ये डिमांड ड्राफ्ट लेने से पहले तुम ये पेपर्स पर साइन करो, डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट। इसमें ये लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से श्रद्धा को डिवोर्स दे रहे हो, और इन पेपर्स पर साइन करने के बाद तुम ना श्रद्धा को मिलने की कोशिश करोगे ना ध्रुव। आनंद भैया, आई मस्ट से आपकी वकील बड़ी अक्कल वाली है। पहले पैसे। रुको, तुम्हें ये पैसे मिल तो गए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसे तुम्हें मिले क्यों। आजाद कर रहा हूं तुझे, और पैसे हिसाब बराबर। इन हाथों ने बहुत गोलियां चलाई, तुझ पे भी चला सकता हूं मैं। जेल जाने का खौफ नहीं मुझे, तुझ जैसे घटिया इंसान को मारकर मैं सारी उम्र जेल में गुजारने को तैयार हूं। निकल यहां से। अरे बेटा, अब तो क्यों रो रही है? समझे, आज से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत।
पिछले किसी भी गम का आपकी आने वाली जिंदगी पर साया तक नहीं पड़ना चाहिए। आज से आपको अपनी जिंदगी खुल के जीनी, बिना किसी डर, बिना किसी टेंशन के। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है किट्टू। मैंने न जाने कितना भला बुरा कहा, लेकिन तुम मेरी असली खुशी जानती थी और वो तुम ढूंढ कर ले आई। ले, ये सब मैंने अकेली ने थोड़ी ही किया है। सब लोग मेरे साथ थे तभी तो ये सब हो पाया। दीदी, सबके दिल में आपके लिए इतना प्यार है। हमारे दिल में प्यार है किट्टू, पर शायद वो सिर्फ बातों में झलकता है। तुम्हारा प्यार तुम्हारी सारी कोशिशों में झलकता है जो तुम श्रद्धा के लिए करती आई हो। शायद ही किसी भाभी ने अपनी ननद के लिए इतना कुछ किया होगा जितना तुमने किया। बस क्या दीदी, आज के हैप्पी हैप्पी माहौल में भी आप तो मुझे रुला के ही छोड़ोगे। आप लोग सब यहाँ पर हंस रहे हैं और मैं रूम में बोर हो रहा हूँ। ओ यार, आ जाना इधर। आओ। नानी, सब लोग यहाँ पर इतने हैप्पी क्यों हैं? क्योंकि आज के बाद तेरी मम्मा कभी सैड नहीं होगी। सच मम्मा? चलो चलो, अब जल्दी से मुझे बताओ कि कौन गोभी के पकौड़े खाएगा और कौन प्याज के। मैं गोभी के, मैं प्याज के। ठीक है, और पापा जी, आप तो आलू के लंबे लंबे पीसेस वाले पकौड़े खाएंगे, है ना? पापा जी को क्या पसंद है ये किट्टू नहीं जानेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन किट्टू के पापा ये भूल जाते हैं कि किट्टू कोई काम गलत कर ही नहीं सकता। बेटा, मैंने तुझे बहुत गुस्सा किया, भला बुरा कहा, प्लीज माफ कर दे। आई एम सॉरी। आपको नहीं मिलने वाली है कोई माफी वाफी, बल्कि मैं तो सजा दूंगी सजा। कैसी सजा किट्टू? पापा जी, आपको अब से दिन में एक बार जाया के हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। किट्टू, चलो ठीक है, मैं दिन में एक कप चाय कम पीऊंगा।